महंगाई आज सबको तोड़ डाल रही है, कोई सी भी कास्ट हो। 400 लेके आज 1200 सिलेंडर हो गया, गरीबों की सरकार है ये। आमदनी कितना बड़ी है, 10-12 हजार में जॉब करते हैं, 10-12 हजार का मतलब क्या होता है महंगाई के हिसाब से। वादक कुछ है, काम कुछ है। 2024 हमको बदलाव चाहिए। धराबी का हालत क्या हो गया, धराबी आज निकल टूटने वाली, किसके विचार में जाने वाला है? सब बेट डाल, इनका परस्तम खून पसीना यहाँ लग के बना हुआ है, उनका जब टूटेगा उनके दिल पे क्या गुजरे? किसी को पूछ लो किसी को रोजगार मिला कितना हुआ? किसी को मिला है? ये पब्लिक पैसे पे आई है और न किसी से बुलाया गया है, ये पब्लिक अपनी मोहब्बत में यहाँ आई है लोगों को दीदार करने के लिए। मत करो, युवा है ट्रेन के सामने वा रहे, युवा है फांसी ले ले रहे हैं, उनको जॉब के लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू दिया जाता है, मालूम पड़ा क्या होता है, सब ऑनलाइन करते हैं, फॉर्म भरते हैं, मास में क्या होता, सारा पैसा लॉस हो गया, सारा सिस्टम लॉस हो गया। राहुल गांधी आपके मुंबई में है, इस यात्रा का कुछ असर दिखेगा? असर अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह काफी असर दिख रहा है। आप कैमरा घुमा किधर देख ले, 90 फीट पे आप देख लीजिए, इनके चाहने वाले करोड़ों लाखों में वेट कर रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे, उनका दीदार करेंगे। की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली जी। उसके बाद वो छत्तीसगढ़ हारे, मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, ऐसा कुछ नहीं। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, हमारा मुद्दा यही है, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। ईवीएम नहीं हटेगा देश नहीं बचेगा। वीरू भाई अम्बानी जितने भी इनके बड़े बड़े लोग हैं, इनके पक्ष में आज देखो हमारा क्या है। धराबी का हालत क्या हो गया, धराबी आज निकल टूटने वाली, किसके विचार में जाने वाला है? सब बेट डाले कि आम जनता कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? जिनका परस्तम खून पसीना यहाँ लग के बना हुआ है, उनका जब टूटेगा उनके दिल पे क्या गुजरेगी? वो तो कहते हैं कि भाजपा सरकार गरीबों की सरकार, गरीबों की सरकार। 400 लेके आज 1200 सिलेंडर हो गया, गरीबों की सरकार है ये, गरीबों की सरकार है। वादा किया था 35 रुपए में पेट्रोल आपको दिया जाएगा, हमारी सरकार आएगी, आज पेट्रोल कितने में है आप बताइए हमको, जवाब दीजिए। काम नहीं कर रही भाजपा, तो मैं भी आपसे सवाल किया, 400 में वादा किया था गैस सिलेंडर का, आज कितने में गैस सिलेंडर है हमारा? तो कहते आमदनी में जो माता जी चलाते हैं उनके दिल से पूछो, आमदनी कितना बड़ी है, 10-12 हजार में जॉब करते हैं, 10-12 हजार का मतलब क्या होता है महंगाई के हिसाब से? आज क्या होता है बताइए ना सर आप मेरे को। अगर 4000 जो 400 में गैस सिलेंडर का जो वादा किया गया, 1200 में गैस सिलेंडर है, और उसके बाद जो 70-65 रुपये में जो आप पेट्रोल चलता है, 95 ऊपर चला गया है, इसका महंगाई नहीं है तो क्या सस्ताई है ये? सर वादा कुछ है, काम कुछ है, तो फिर बता दीजिए 2024 का प्रधान। 2024 हमको बदलाव चाहिए सर, बदलाव के रूप राहुल गांधी सबसे बेस्ट सबसे अच्छी सरकार, वादे के मुताबिक काम होता है, बोल वचन सरकार सर नहीं है। 56 दिन का सीधा सीना है मोदी जी का, 56 सीना होता तो मुताबिक जो भी वादे किए थे, एक भी मुताबिक बुनियादी चीज जमीन पे एक भी दिखा नहीं है सर। कुछ आपको दिखाओ कहीं आप बता दीजिए, रोजगार किसको मिला है यहाँ पे, कितनी युवा खड़े हैं, किसी को पूछ लो किसी को रोजगार मिला कितना हुआ? किसी को मिला है? सर अगर किसी को यहाँ जॉब मिलता है ना, सब अपने जॉब में रहते हैं, यहाँ कोई टाइम वेस्ट अपना टाइम लॉस नहीं करता, आपके फ्यूचर आज की महंगाई के हिसाब से, सब अपने जॉब से आज सब ठोको ठोकर खा रहे हैं, और जो पढ़े लिखे आज वो मजदूरी कर रहे हूँ, तो मतलब हमारी पढ़ाई लिखाई कहाँ गई? हमारा टाइम लॉस, हमारा पैसा, माँ बाप हमारे दिल में तमन्ना कितनी ले रहे थे कि हमारा औलाद करके बड़ा होगा, कुछ ना कुछ मतलब जॉब पाएगा, माँ बाप के लिए सहारा बनेगा, कैसे हम सहारा बनेंगे? जनता तो फिर भी चुन रही है भाजपा को, जनता नहीं चुन रही, ईवीएम चुन रही सरकार, जो आज की परेड में जो ईवीएम से मतलब कराया जाता है इलेक्शन, वो चुन रहे, हम नहीं चुन रहे, हम वोट कहीं डालते चला जाता कहीं। आज तुम ईवीएम चेंज कर दो, बदलाव हो जाएगा, बदलाव यूं हो जाएगा यूं। जनता तो यही चाहती है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ, और 2024 में आपकी इंशाल्लाह सरकार चेंज होगी। सरकार चेंज होने की बात कर रहे हो, 400 पार मोदी सरकार, बोलने पे कुछ रहता है करने पे कुछ रहता है। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, अपना मुद्दा सर यही है, आप ईवीएम हटाओ देश बचाओ, जहाँ जहाँ भी ईवीएम हुआ है वहाँ वहाँ 100% ये सरकार निकली है। मोदी से बेहतर नेता अपना राहुल गांधी, यू आर राइट, सबसे बेस्ट नेता युवा के लिए, सबसे बेस्ट है। बेस्ट इसलिए है कि देखो युवा के मतलब साथ है, किसान के साथ है, मजदूर के साथ है, वो लोगों को साथ चल रहे, लोगों को मतलब दिल जीत रहे, लोगों को मतलब वादे कर रहे, वादे मुताबिक कुछ काम भी होता है। मोदी जी भी तो साथ है ना, देखिए दलितों के साथ खाना खाते हैं। अच्छा स्पेशल मतलब खाना होटल से आता है, बाकी दरी बिछती है और उसके बाद वो खाना खा के मतलब नाम कर दिया, हम मतलब कहाँ खाए, दलित की आंख आए। ऐसे हमारे राहुल गांधी खेत में जाते, किसान के साथ गेहूं में जो भी हाथ रहता लगाते हैं, रैली में जो चलता आम जनता मतलब सिक्योरिटी के बिल है, तुम ऐसे चल के दिखाओ ना, तुमको कोट पहनना होगा, 15-20 लाख का कोट पहनते, आम जनता ख्याल नहीं कर, आम जनता रोड पे भीख मांग रही अपना पेट भर के, तुम्हारा कुछ ख्याल ही नहीं है, युवा के लिए कोई ख्याल ही नहीं, युवा दर दर के ठोकर खा रहा है, जॉब के लिए जाओ वहाँ कैंसिल कर दिया जाता है, कोई नौकरी नहीं निकलती है,
उम्र लॉस हो जाता है। आज 50-60 साल की उम्र होती है, माँ बाप आस लगाए रहते चलो हमारा बेटा आगे चल के मतलब तैयार हो, कुछ मतलब सहारा बनेगा। 50 साल के अंदर मालूम पड़ा खलास हो गया, जॉब ही नहीं मिली, मालूम पड़ा आदमी आत्महत्या कर ले रहा है सामने वाला, कोई जॉब से भी गया और उसको पर्सनल जो मतलब कुछ सीखने का उम्र रहता हो तो उसी में चला जाता पढ़ाई लिखाई में, तो टाइम बचता नहीं हमारे पास। शादी हो जाती, जिम्मेदारी हो गया, मालूम पड़ा लड़के बच्चे से भी गया, औरत से भी गया और घर वाले से भी गया। ये आज महंगाई आज सबको तोड़ डाल रही है, कोई सी भी कास्ट हो, कहते सब साथ है, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ है, सब साथ है। आप भी गेमरों घुमा के पूछ लीजिए, इंटरव्यू ले लीजिए, कोई साथ है या नहीं है सर आपको मालूम पड़ जाएगा। जो बात सच्चाई है सर वो बोलिए आप। आपको पेमेंट कितना दिया जाता है? आप जॉब कर रहे हो, मैं भी आपसे सवाल किया, आपको पेमेंट कितना दी जा रही है? आपके घर में कितने लोग हैं टोटल, कितने घर हैं आपके? अरे ये कोई सवाल एकदम क्यों हम मतलब आप हमसे एकदम खाल के साथ बाल नोच रहे हमसे, परफेक्ट ना आप मतलब सवाल पे सवाल कर रहे हैं, भाई हमारा भी तो हक बनता है तो आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं ना जनता तक, लोगों में पहुंचा रहे कि लोग मुंबई की जनता कितनी परेशान है, क्या मुद्दे तो परेशान है, तभी तो लोग आज जुड़े उनके मोहब्बत में, तभी तो चाहने वाले उनके यहाँ खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि राहुल जी आएंगे, दीदार करेंगे, कुछ बात रखेंगे, ये नेता बनाने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी को नेता इस यात्रा के द्वारा? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, ये पब्लिक पैसे पे आई है और ना किसी से बुलाया गया है, ये पब्लिक अपनी मोहब्बत में यहाँ आई है लोगों को दीदार करने के लिए। किसी को 500 ना दिया गया, किसी को ना 200 दिया गया है, सब अपना धराबी ऐसा झोपड़पट्टी इलाका, यहाँ सब मजदूर लोग रहते हैं।